आपको एक्सेप्शन मैसेजेस को मैसेजेस के इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं सपोज हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया क्लास टेस्ट एंड इसके अंदर मेन मेथड लिया उसके अंदर मैंने एक सिस्टम डॉट डॉट आउट स्टेटमेंट लिया जिसमें मैंने टेन डिवाइडेड बाई जीरो कर दिया यहाँ पे यानी कि एक एक्सेप्शन कर दी कौन सा एक्सेप्शन पे रेज होगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन दिस इज अनचेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन वी हैव एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन क्या है तो एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है अब यहाँ पे मैंने इसको हैंडल नहीं किया हैंडल मतलब किसी भी ट्राइब कैच या फाइनली ब्लॉक में नहीं रखा किसी भी एक्सेप्शन को

ये डिटेल वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर दैट मैं एग्जीक्यूट करूंगा कोड को और मैं आपको डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का मैसेज दिखाऊंगा

लाइन नंबर टेन इसका मतलब क्या है ये स्टैक ट्रेस में से स्टैक कॉल स्टैक में से मेन मेथड को टर्मिनेट कर दिया गया है किस लाइन की वजह से टेंथ लाइन मतलब लाइन भी हमें पता चलेगी कि, कि किस लाइन पे ये एक्सेप्शन अकर हुआ है अब हमें जब ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हम अपने कोड में आएंगे ट्राई देखेंगे लाइन नंबर टेन यहाँ पे है लाइन नंबर टेन यहाँ पे मतलब फिर उसके बाद आके अपना स्टेटमेंट चेक करेंगे हमने देखा था हमारे स्टेटमेंट में डिवाइडेड बाई जीरो था हमने देखा हाँ हाँ जी डिवाइडेड बाई जीरो है

तो इन सारे इंफॉर्मेशन की वजह से ही हमने अपने एक्सेप्शन को हैंडल किया अगर ये नहीं पता चलता हमें कि एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन किस लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है एक्सेप्शन किस वजह से एग्जिस्ट कर रही है तो हम किस वजह से रेस करिए तो हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाते तो एक्सेप्शन मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब एक्सेप्शन मैसेज को प्रिंट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है फर्स्ट मेथड है प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड क्या 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 देता है एक्सेप्शन का नाम देता है एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन देता है और एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस देता है दूसरा मेथड हमारे पास है गेट मैसेज गेट मैसेज क्या देता है एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन सिर्फ देता है बाकी कुछ प्रोवाइड नहीं करता है नाउ टू स्ट्रिंग मेथड अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन का नेम फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्शन बट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्शन का नाम और एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है जेनरिक कैच ब्लॉक क्या प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन का नाम फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्शन अब ये सारी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन रेज होनी होती है तो हम उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना एक्सेप्शन रखेंगे यहाँ पे जो जिसकी वजह से एक्सेप्शन अकर होने की

अब ये e वर्ड जो भी है ये एक वेरिएबल है किसका एक इंस्टांस है अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक इंस्टांस है तो इस इंस्टांस वेरिएबल को आप कोई भी नेम दे सकते हो जरूरी नहीं है आप e दे रहे हो फिलहाल यहाँ पे रिलेटिवली यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे e दे दिया हूँ ठीक है अब यहाँ पे मुझे कनेक्ट यहाँ पे मुझे इस वाले रिस्की कोड को हैंडल करना है ठीक है तो इस, इस वाले रिस्की कोड को हैंडल करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि क्या कौन सा रिस्की, रिस्क वर्ड में क्या प्रॉब्लम है जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होता है तब तक हम उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते राइट तो हमें प्रॉब्लम पता करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं तो सबसे पहले हम मेथड्स यूज करेंगे प्रिंट स्टैक्रेस प्रिंट स्टैक्ट्रेस को हमें यूज करने के लिए सिंपली हम जिस जो जिसका भी हमने इंस्टांस बनाया है जिस भी एक्सेप्शन का उस एक्सेप्शन के इंस्टांस रेफरेंस वेरिएबल डॉट एंड यहाँ पे प्रिंट स्टैक्ट्रेस मेथड को सिंपली कॉल कर देंगे अब ये क्या करेगा प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करेगा इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन यानी जो instance, इस instance में जो भी यहाँ कोड आएगा वो रिस्की कोड इसके पास आएगा और देखेगा क्या ये इस एक्सेप्शन से रिलेटेड है इस एक्सेप्शन से रिलेटेड है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे देगा पूरा स्टैक ट्रेस पूरा स्टैक ट्रेस स्टैक ट्रेस के साथ मतलब एक्सेप्शन का नाम एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन और इस एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस भी प्रिंट करके दे, दे देगा नाउ लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा Java test. आप देखो क्या क्या दिया exception, ये क्या बाई एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन है एट टेस्ट डॉट मेन टेस्ट डॉट जावाइन इलेवेंथ लाइन मतलब इलेवें लाइन की वजह से ही स्टैक कॉल स्टैक से मेन मेथड का टर्मिनेशन हुआ तो हम इलेवंथ लाइन पे जाएंगे इलेवंथ लाइन यहाँ पे एक्जिस्ट करिए हाँ जी यहाँ पे एग्जिट करिए थावाइडेड बाई जीरो हमने देखा हाँ जी यहाँ डिवाइडेड बाई जीरो मतलब इस कोड को हमें हैंडल करना है तो हम अपने कोड को हैंडल कर सकते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे अपना एक हैंडलिंग कोड लिख देंगे और बता देंगे टेन डिवाइडेड बाई जीरो नहीं डिवाइडेड डिवाइड फाइव है तो ये कोड क्या हो जाएगा हैंडल हो जाएगा नाउ अगर हम फिर से इसको एग्जीक्यूट एक, करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा चावल टेस्ट अब देखो फाइव गया है ना तो कोड को हम कैसे हैंडल कर पाए कोड को हम हैंडल तभी कर पाए जब हमें मैसेज मिला डिस्प्ले मैसेज मिला कंसोल में मैसेज प्रिंट हुआ कि ये एक्सेप्शन अगर कर रही है इस लाइन पर अगर कर, कर रही है ठीक है तो यहाँ पहला जो मेथड है वो मेथड क्या दिया हमें डिस्क्रिप्शन और स्टैक नाउ एनदर मेथड इज गेट मैसेज गेट मैसेज क्या करता है सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन प्रिंट करता है अब गेट मैसेज को हमें अगर यूज करना है तो सिंपली हमें प्रिंटेन मेथड के अंदर यूज करना होगा क्यों क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट नहीं है Print है, है तो एग्जीक्यूट कर कर करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा मतलब किस वजह से एक्सेप्शन हुआ है वो हमें मिलेगा चाव जस्ट आप देखो डिवाइडेड बाय जीरो सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड बाय जीरो मिला तो हमें एक सिर्फ और सिर्फ मैसेज मिला तो जब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपर डेवलपमेंट का काम करते हैं तो हमें जब यूजर को कोई मैसेज देना होता है तो हमें यूजर को तो कोई लेना देना है नहीं कि किस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है है ना किस एक्सेप्शन uh, का नाम क्या है उसे कुछ लेना देना नहीं होता बस उसे मैसेज से मतलब होता है एक डिस्क्रिप्शन से मतलब होता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है ताकि वो प्रॉब्लम को रेज कर सके कि ये प्रॉब्लम है डेवलपर को प्रॉब्लम रेज करे और प्रॉब्लम डेवलपर समझ जाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो वो अपना देख लेगा ठीक है तो ये यूजर को मैसेज देने के लिए गेट मैसेज का यूज करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन -सिर्फ देता है और एक्सेप्शन नेम से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। तो ये था गेट मैसेज नाउ विल सी टू स्ट्रिंग मेथड टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है टू स्ट्रिंग मेथड टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा एक्सेप्शन का नाम फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्शन बट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो एक्सेप्शन का नाम टेस्ट डॉट जावा जावा टेस्ट आप देखोगे एक्सेप्शन का नाम कौन सा नाम है जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन का नेम हो गया एंड ये होता है तो exception, description और exception, name देता है 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 ठीक ठीक तो और देता 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 कौन लेकिन एक string format में देता है, एक string format में में अब बात बात आती आती की की का मतलब क्या हुआ है इसको हम एक बार और देखेंगे कि क्या है जेनरिक कैच ब्लॉक का यूज करना सही होता है कि नहीं होता लेकिन उसके पहले हम देखते हैं जेनरिक कैच ब्लॉक कहते हैं कैच ब्लॉक को समझने से पहले मैं अपना एक एक्सेप्शन हाईर ओपन कर लेता हूँ okay. आप यहाँ पे देखो एक्सेप्शन हायर में आप देखोगे कि जितने भी एक्सेप्शन यहाँ पे अगर कर रहे हैं जितने भी एक्सेप्शन अगर कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन यहाँ पे किसके अंडर में आ रहे हैं एक्सेप्शन क्लास के अंदर आ रहे हैं एक्सेप्शन क्लास के अंदर आ रहे हैं मतलब एक्सेप्शन क्लास के अंदर ये मतलब सारे के सारे एक्सेप्शन आ रहे हैं ठीक है

तो हम क्या यूज करते हैं क्लास यूज करते हैं जेनरिक कैच ब्लॉक यूज करते हैं जेनरिक कैच ब्लॉक क्या करता है सिर्फ उसे एक्सेप्शन इस exception का इंस्टांस बना लेता है अब इस एक्सेप्शन इंस्टांस के अंदर सारे के सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे रन टाइम एक्सेप्शन 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 एंड एसक्यूएल इंटरप्टेड सारे के सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे किसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर आ जाते हैं उसी को कहते हैं हम जेनरिक जेनरिक कैच ब्लॉक अब जेनरिक कैच ब्लॉक क्या करता है सपोज मुझे नहीं पता कि इस एक्सेप्ट इस ये जो रिस्की कोड है ये मेरा क्या है रिस्की कोड है रिस्की रिस्की कोड कोड अब की वजह से कौन एक्सेप्शन रेज हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे उसके इंस्टांस को प्रिंट कर लूंगा सिंपल यहां पे अब मैंने जैसे ई e को प्रिंट करा अब ये क्या देगा एक्सेप्शन नेम फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्शन प्रिंट करेगा नाउ मी शो यू डॉट जावा Java test. तो ये क्या दिया एक्सेप्शन का नेम दिया और एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन दिया ठीक है 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 तो ये क्या है? क्लास है. कैच है. अब कैच is the worst practice of coding. अभी हम हम में देखेंगे जब हम ट्राइ ट्राइ के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करेंगे तो ब्लॉक हम देखेंगे कि केस है केस में हम यूज करते हैं जब हमें सच में नहीं पता हो कि कौन सा रिस्क कोड है यहाँ पे एक्चुअली में जनरेट हो रहा है तभी हम इसका यूज करते हैं अदरवाइज अगर हमें पता है जैसे मैं यहाँ पे देख के देख पा रहा हूँ कि हमारा ये कोड एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है अब जैसे मैं कोई एरे यूज कर रहा हूँ ठीक है तो वो क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है अगर मैं कोई एरे यूज कर रहा हूँ तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन यूज कर सकता है तो मैं यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन लूंगा मैं यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करूंगा ठीक है मुझे दिख रहा है, है अब ये तो भाई अर्थमेटिक uh, प्रोवाइड करेगा अब सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे एक एरे ले लिया एक ले लिया जिसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल दी वन कमर टू कमर थ्री डाल दी ठीक है अब ये कितने इंडेक्स है ये जीरो इंडेक्स पे है ये किस पे है फर्स्ट इंडेक्स पे ये सेकंड इंडेक्स टोटल कितने एरे की लेंथ कितनी है तीन लेंथ हो गई ठीक है इंडेक्स स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है जीरो है अब मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ एरे एरे की एक वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ जो फोर्थ इंडेक्स पे है ठीक है इसमें कितने इंडेक्स है जीरो वन टू जीरो वन टू इंडेक्स तक है मैं फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करना करना चाह रहा हूँ मैं प्रिंट करूंगा मुझे नहीं पता इस एरे के अंदर क्या है ठीक है अभी मैंने जैसे वैल्यू ले ली है लेकिन मुझे नहीं पता कर सपोज मैं ये यूजर की तरफ से लेता मुझे नहीं पता है कि इसमें वैल्यू कौन सा मैं एरे फोर को वैल्यू ले रहा हूँ ठीक है अब एरे फोर की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा कौन सा एक्सेप्शन आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो की एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है ठीक है ये आप लोग एक्सेप्शन हायरार्की में देख लेना एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है अब मुझे पता है यहाँ पे एरे अगर मैंने लिया है एरे में एरे मैंने लिया है तो इसमें

ओके okay, अब क्या मिला जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिला इंडेक्स फोर आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ थ्री ये क्या है एक डिस्क्रिप्शन है ये एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन है और ये क्या है एक्सेप्शन का नेम है ठीक है तो इस तरीके से अब हमने हमें पता तो हमने यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यूज कर लिया सपोज हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक जेनरिक कैच ब्लॉक यूज कर लेते हैं जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है लेकिन हम यहाँ पे कैच ब्लॉक यूज कर लेते हैं तो जेनरिक कैच ब्लॉक क्या होता है आपको पता चल चलेगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे यूज करते हैं फिर वहां पे जनरिक कैच ब्लॉक कैसे केडिंग केस ऑफ कोडिंग प्रैक्टिस मानी जाती है वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है